हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो आप सब। और यहाँ पर आप सबके लिए UPSGPGI स्टाफ नर्स का रिजल्ट जारी हो चुका है। दोस्तों, आप सबने देखा होगा अपना स्कोर कितना था, लेकिन अभी जो स्कोर आया है साथियों, वो नॉर्मलाइजेशन होके आपका स्कोर सामने आया है, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं। UPSGPGI स्टाफ नर्स डियर साथियों, यहाँ पर आप लोग लिस्ट देख सकते हो, जो आपका ईमेल के जरिए मैसेज आया था उस वो आपके नॉर्मल नंबर थे, लेकिन अभी जो रिजल्ट आया है आपका, ये नॉर्मलाइजेशन के साथ में आया है। इसमें आप लोग अपना सीरियल नंबर वाइज अपना जो है एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन नंबर चेक करेंगे, रोल नंबर चेक करेंगे, साथ ही आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे, जेंडर चेक करेंगे, और नॉर्मलाइजेशन ओके जो आपका नंबर बढ़े हैं, कम हुए हैं या बढ़े हैं, तो वो इसमें आप जानकारी देख सकते हो। और आपकी जो रैंक बन रही है साथियों, यहाँ पर आपको जो है रैंक है, ठीक है। दोस्तों, जिन साथियों के नॉर्मलाइजेशन होकर नंबर बढ़े हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। और जिनके मैंने आपको कट ऑफ बता रखा था, कट ऑफ में जितने भी नंबर आ रहे हैं उनके हिसाब से उनका सिलेक्शन यहाँ पे लगभग हो जाएगा, और साथ ही उनको बहुत बहुत यहाँ पर बधाई होने वाली है। डियर साथियों, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, SGPGI की ऑफिशियल वेबसाइट से ये जो हमने लिस्ट डाउनलोड कर लिया है, यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, ठीक है, 22/3/2023 को, ठीक है, उसका यहाँ पे रिजल्ट है। और ये यूपी स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट और ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेजों के लिए भर्ती कराई गई थी, जो कि SGPGI ने अच्छे तरीके से कराई थी। यहाँ पर कोई भी धांधली देखने को नहीं मिली। बाकी आप लोग अपना एप्लीकेशन सिक्वेंस नंबर देख लीजिए, रोल नंबर देख लीजिए, आपके कितने नंबर हैं वो एक बार कमेंट में डाल दीजिए, और आपका सिलेक्शन यहाँ पर लगभग हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने आपके लिए कट ऑफ का वीडियो डाल रखा है, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, सभी के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आपका फ्यूचर ब्राइट हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही साथियों, ये जानकारी आप सबके लिए देनी थी, क्योंकि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे स्टूडेंट्स कि रिज़ल्ट कब तक आएगा सर। तो रिज़ल्ट आपका जारी हो चुका है, साथ ही एक फाइनल लिस्ट और आएगी इसकी, उसके बाद में आपका DB होगा, तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देंगे। अभी के लिए इतना ही। कोई भी कैंडिडेट चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट रहेंगे सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।